फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले में जुड़ा भारत में बना इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज में चलेगा 50 किलोमीटर। भारत में मेक इन इंडिया के तहत बने इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम अब फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले से जुड़ गया है। दरअसल यह स्कूटर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फ्लीट के साथ चलेगा। पेजो इलुडिक्स प्यूजियट इलुडिक्स नाम का यह स्कूटर देश में बना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले में शामिल हो चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुद एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पेजो इलुडिक्स को फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले में शामिल किया गया है। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब भारत में बने इस स्कूटर को वहां निर्यात किया जा रहा है। बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पेजो मोटरसाइकिल PAMTC का अधिग्रहण किया हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। महिंद्रा कंपनी मध्य प्रदेश के धार जिले के पास पीठमपुर में स्थापित किए गए प्लांट में पेजो इलुडिक्स स्कूटर को मैन्युफैक्चर कर रही है। यहीं से कंपनी इसे फ्रांस में पेजो मोटरसाइकिल को एक सपोर्ट करती है। लिथियम आयन बैटरी के साथ कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी है। यह लिथियम आयन बैटरी के साथ फ्रांस को दिया जा रहा है। इसे फुल चार्ज होने में 3 घंटे का समय लगता है। वहीं इलुडिक्स का वजन कुल 85 किलोग्राम है। सिंगल चार्ज में चलता है 50 किलोमीटर। यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके साथ ही इसी स्कूटर की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर की कीमत की बात करें तो इसका खुलासा नहीं हुआ है। कंपनी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इससे मिलते जुलते स्कूटर की कीमत करीब 2000 यूरो यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.5 लाख रुपए के करीब है।